आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या के लिए कितने दिन पहले आए थे मेरे पास? 22 तारीख हैं, 22 तारीख माने कितने दिन हो गए? आज तो तारीख हो गई 28 हैं, तो करीब 7-8 दिन पहले आए थे, 6-6 दिन है आज। तो 6 दिन पहले आपको जो वेरिकोज वेन्स की समस्या थी, जैसा कि हम आपकी टांग को देख रहे हैं अब, तो पहले क्या क्या कितने दिनों से समस्या थी आपको? 2 साल से आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम थी। और पैर जो है दाईं तरफ का पैर पूरा खड़े होने पे क्या क्या हो जाता था, आप अपने शब्दों में बताएं। शाम के टाइम पे ये मालूम होता सुन पड़ गया नीचे का पैर। अच्छा, और सूज भी जाता था। हाँ, सूज जाता था। और खून की ये जो नलियां हरी हरी है ये मोटी हो जाती थी। हाँ, मोटी हो जाती, इकट्ठी हो जाती थी, इकट्ठी होकर फूल जाती थी। फूल जाती थी। हाँ, और फिर चलने में कोई दिक्कत होती थी? बैठने में यहाँ से परेशानी होती थी। बैठने में परेशानी, और चलने में क्या समस्या हो जाती थी? चलने में कितनी दूर? चलने में ज्यादा परेशानी होती थी। अच्छा, ऊपर बैठने में दिक्कत होती थी? बैठने में, पैर मोड़ने में। अच्छा, इतना दर्द होने लगता था। और ये पिछले 6 दिन पहले आपको क्या इंजेक्शन लगाया था हमने जब प्लेटलेट्स का और स्टेम सेल का, तो आज 6 दिन में क्या फर्क हो गया उससे, इंजेक्शन से कितना फर्क आ गया था? उससे ये आराम है। हाँ, और नीचे वाली नसें जो वो होती थी इकट्ठी, हाँ, वो नहीं हो रही है। अच्छा, मतलब एक तो नसें इकट्ठी नहीं हो रही। हाँ, और ब्लड भी नहीं आ। अच्छा, हाँ, ब्लीडिंग था पट्टी खोलते ही। हाँ, वो नहीं आया, ब्लड नहीं आया। अच्छा, खून की नलियां भी हरी हरी अब सुखड़ गई पहले से? जी। मतलब कितना परसेंटेज कब सुखड़ गई होंगी ये नलियां? 50%। लगभग 6 दिन में 50% खून की नलियां जो हरी हरी मोटी मोटी थी वो 50% सुखड़ गई। काली काली थी वो, और कालापन जो है वो खत्म होकर के हल्का सा गुलाबी बन पे आ गया। गुलाबी बन पे आया, गुलाबी नीचे को आया। हाँ, नीचे को आया। पिछली बार थोड़ा सा डोज भी कम था तो आपको कम लगा पाए थे हम, है ना। अब आज हमने ज्यादा प्लेटलेट्स और स्टेम सेल की क्वांटिटी करी है। ये जो घाव था आपका पैर का, इसमें से खून आ जाता था खड़े होने पर? खड़े होने पर प्रेशर से चलता था, कम से कम 5 फुट दूर गिरता था, बहुत बुरी तरह प्रेशर से। उस दिन जेके श्रीवास्तव गया पूरा था। हाँ, तो अच्छा बैठे थे, पूरा फर्श उनका बिल्कुल वो हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तो बड़े दाब लेते थे इसे, उसके बाद पट्टी इतनी टाइट करके बांधते थे। हाँ, उससे रुक जाता था फिर। ठीक है, और अभी ये कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें ब्लीडिंग की? पर एक घाव सूखने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। पिछले साल भी हुआ था ये पैर में नीचे बना। अच्छा, उसमें जेके श्रीवास्तव के यहाँ सही कर दिया था, तो इसमें ब्लीडिंग नहीं होती थी उसमें? नहीं, हाँ, ब्लीडिंग नहीं होती, जलन पड़ती थी। जलन पड़ती थी, आग निकलती थी। अब अच्छा, अब आग और जलन वाली समस्या भी कम हो गई अब? जी है, वो भी बिल्कुल अब करीब ना के बराबर है। चलिए, बहुत ही चुभन सी होती है। 6 दिन में पहली सिटिंग में काफी अच्छा सुधार आ गया इसमें। अब कम से कम मुझे लगता है 2 और 3 सिटिंग में मामला बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी, जख्म सूखने में हो सकता है 3 सिटिंग में सूख ही जाएगा, मतलब 2 सिटिंग और कम से कम चाहिए होंगी। ठीक है, चलिए, ओके।